गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो लेट्स स्टार्ट विद दी टॉपिक। मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में बोला था कि आप पहले हम लोग लॉग टेबल यूज करना सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद बाकी के सारे कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले लॉग टेबल यूज करना सीखेंगे हम लोग। ओके, लॉगरिदम चैप्टर पहले एक्चुअली 11th में हुआ करता था पुराने सिलेबस में, लेकिन शायद उन्होंने हटा दिया वो चैप्टर एंड कुछ तो एक टॉपिक रख दिया उसको, लॉगरिदम को। तो हम डेप्थ में नहीं जाएंगे लॉगरिदम के, बस कुछ चीजें हैं। पहले तो हम लोग कुछ नंबर्स के लॉग फाइंड आउट करना सीखेंगे, उसके बाद उसके एंटी लॉग फाइंड आउट करना सीखेंगे, एंड देन तीसरे स्टेप में हम लोग कैलकुलेशन के लिए लॉग कैसे यूज होता है वो सीखेंगे, ठीक है? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग को प्रोसीड करना है। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, फाइंडिंग लॉग ऑफ ए नंबर। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। लॉग कैसे ढूंढते हैं कोई भी नंबर का, वो पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? लॉग टेबल का सबसे पहले एक आ, आ, एक चीज याद रखो लॉग टेबल के बारे में। यस, लॉग बुक्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन, यस डेफिनेटली। तो मेरा लॉग टेबल जो है दैट इज स्टिल व्हाट, 99। ओके, एंड एंटी लॉग टेबल जो है दैट इज स्टिल योर 0.99। ओके, अब दूसरी बात यह है कि हम लोग सिर्फ 4 डिजिट का नंबर आता है तो ही हम उसका लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का नंबर तो हम लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 5 डिजिट का नंबर है तो यू विल हैव टू अप्रोक्सीमेट इट, और यू विल हैव टू डू सम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन टू मेक दैट पॉसिबल। ओके, वी कैन टेक दीज बुक्स ऑफ लॉगरिथम। यस, यू इफ यू कैन बाय बाय इट दैट वुड बी बेटर। ओके, अगर बाय करते हो तो कर लो, अच्छी बात है, वो काम आएगी आएगी। वैसे भी मैथ्स के प्रैक्टिकल्स वगैरह भी रहते हैं तुम लोगों के, तो उधर भी काम आ जाएगा वो, ठीक है? सो बाय कर सकते हो तो करो। फोर डिजिट टू, अच्छा ओके, 4 डिजिट का क्या होता है ना, 4 डिजिट का क्यों 4 डिजिट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं वो मैं तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा। मतलब तुम लोगों को जैसे हम लोग अभी लॉग फाइंड आउट करेंगे ना नंबर्स का, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि वो 4 डिजिट के लिए ही क्यों होता है, ठीक है? अगर 5 डिजिट आते हैं तो हमें उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ रूल्स ऑफ लॉगरिथम यूज करने पड़ते हैं, तो दैट आई विल एक्सप्लेन, जस्ट वेट, ठीक है? ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। एक ही नंबर मैं अलग अलग वे में घुमाने वाली हूँ अभी, ठीक है? देखो पहले तुम लोग फाइंड आउट करोगे लॉग ऑफ 1 2 3 4। सेकेंड तुम लोगों को फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 123.4। थर्ड तुम लोगों को फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 12.34। फोर्थ तुम लोगों को फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ, देन यहाँ पे लॉग ऑफ 12.34, देन लॉग ऑफ 1.234, फिफ्थ लॉग ऑफ 0.1234, देन सिक्स्थ लॉग ऑफ 0.01234। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हमें ये सब चीजों के लॉगरिथम्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें सारे तरीके के नंबर्स कवर हो गए हैं। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, रिमेम्बर दिस थिंग, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, इट इज इट 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 वोंट इट इट इज इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? सो लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट और इट इज नॉट पॉसिबल। सब लोग आ गए क्या? कितने लोग हैं अभी? 35, 34 लोग हैं, तो बाकी 6 लोग किधर गए? इज नॉट पॉसिबल,
पॉसिबल, ठीक है. सो निगेटिव नंबर तो आएगा नहीं कभी लॉग फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है. अगर आता है तो पहले निगेटिव साइड को साइड में रखो, निगेटिव साइन को साइड में रखो, कैलकुलेट करो एंड देन निगेटिव साइन को लगा देना, ठीक है. अगर कैलकुलेशन के टाइम पे निगेटिव साइन आता है तो, ठीक है. एंटी लॉग ऑफ निगेटिव नंबर इज पॉसिबल, लेकिन लॉग ऑफ निगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल. रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. लॉग ऑफ निगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल. सारे तरीके के कैलकुलेशंस में कवर करने वाली हूँ, डोंट वरी. चलो पहले लॉग कैसे फाइंड आउट करते देखते हैं. देखो लॉग के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है मेंटिसा. ओके, तो पहले मैं तुम लोगों को, ये नाम बहुत हाई फाई है, ये नाम नहीं भी पता होंगे तो भी चलेगा, करते क्या है वो पता होना चाहिए बस. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा क्या होता है वो नहीं पता हुआ तो भी चलेगा, लेकिन हम करते क्या है उसमें वो पता होना चाहिए. देखो कैसे क्या करना है. अभी पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट बता रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा देखो, उसका कितने नंबर है उसके पास, कितने डिजिट है उसके पास. बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल कितने डिजिट उसके पास है. अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पे तो डेसिमल ही नहीं है. डेसिमल है, वो छुपा हुआ है. कैसे छुपा हुआ है देखो, 0.0 है ना, log of 1, 2, 3, 4 0.0 छुपा हुआ है वो डेसिमल. ओके, सो बिफोर डेसिमल हमारे पास कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है ना. बिफोर डेसिमल देखो 1, 2, 3, 4 4 डिजिट्स है. तो मैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगी 3. आधा आधा पार्ट है लॉक का. मैंने क्या बोला, लॉक के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है मेंटिसा. हम पहले हर एक नंबर का क्या ढूंढ रहे हैं, मेंटिसा ढूंढ रहे हैं, ठीक है. सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ रहे हैं. अब यहाँ पे बिफोर डेसिमल कितने नंबर्स है, 123, मतलब 1, 2, 3 3 डिजिट्स है. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 2. यहाँ पे बिफोर डेसिमल कितने डिजिट्स है, 1 and 2 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 1. ओके, यहाँ पे बिफोर डेसिमल कितने नंबर्स है, यस एक ही नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 0. क्या किया मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उसमें से -1 कर दिया. जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उसमें से क्या कर दिया, -1 कर दिया. ओके, देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे, 4, 4 में से एक हटाया 3. कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे, 3, 3 में से एक हटाया 2. कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 2, उसमें से एक हटाया 1. कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 1, -1 किया 0 आया. अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. जब डेसिमल के पहले जब कोई डिजिट्स नहीं होते हैं तो रिमेम्बर तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है बार के टर्म्स में. क्या बोला मैंने, अगर डेसिमल से पहले डिजिट्स नहीं है हमारे पास तो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है बार के फॉर्मेट में. जैसे यहाँ पे डेसिमल के पहले कुछ डिजिट्स है, नहीं है. डेसिमल के पहले कुछ डिजिट्स है, नहीं है. तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों केसेस में कैसे आएगा, बार्स के फॉर्मेट में, है ना. तो बार्स के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, एक ही जीरो है यहाँ पे तो 1 bar. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, 2 bar. ओके, अब तुम लोग बोलोगे इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे फिर, ये जो केस है 7th वाला, log of 0.1023, इस केस में क्या लिखोगे, यस इट हैज टू बी व्हाट, 1 bar, इट हैज टू बी व्हाट, 1 bar. ये जीरो को इंपॉर्टेंस नहीं देना है. कौन से जीरो को इंपॉर्टेंस देना है, डेसिमल के जस्ट बाद में आने वाले जीरो को और डेसिमल के पहले वाले जीरो को. देखो यहां तक तो सब सही था, फोर्थ क्वेश्चन तक तो सब सही था, लेकिन फिफ्थ में क्या है, डेसिमल के पहले हमारे पास डिजिट्स ही नहीं है. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जीरोज देखे, जीरोज काउंट किए. ओके, जीरोज काउंट किए. तो जीरोज काउंट करने के बाद मुझे क्या पता चला, यहाँ पे डेसिमल के पहले कितने जीरोज है, एक ही है. डेसिमल के बाद कुछ है क्या, नहीं. डेसिमल के पहले एक जीरो था तो मैंने 1 bar लिखा. यहाँ पे डेसिमल के पहले भी है एंड जस्ट आफ्टर भी है तो इट इज 2 bar. यहाँ पे सिर्फ डेसिमल के पहले है तो यहाँ पे सिर्फ 1 bar, जस्ट आफ्टर चाहिए. अभी और एक अच्छा एग्जांपल आया है मेरे पास. देखो ये एग्जांपल, लॉग ऑफ 0.001. देखो डेसिमल से पहले कितने
जीरोज है, डेसिमल, डेसिमल से पहले एक एंड डेसिमल के जस्ट बाद दो, टोटल तीन हो गए ना, सो इट हैज टू बी 3 बार. ओके, सो जीरोज जो है वो डेसिमल के जस्ट बाद में होने चाहिए, जीरोज जो है वो डेसिमल के जस्ट बाद में होने चाहिए. समझ में आ रही बात? यस, क्या बोला मैंने? ओके ओके, अब चलते हैं आगे. तो इसका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट हम लोगों ने अभी तक देख लिया, अभी हमें देखना है मेंटीसा. मेंटीसा के लिए हमें लगता है टेबल. ओके, मेंटीसा के लिए हमें लगता है टेबल. देखो टेबल कैसे यूज करना है, लुक एट दिस. देखो अभी भूल जाओ कि हमारे पास डेसिमल्स भी है, भूल जाओ हमारे पास डेसिमल्स है. ओके, और जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि अगर 5 डिजिट्स है मेरे नंबर में तो मुझे उसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा. तो 5 डिजिट्स है, ये फिफ्थ फिफ्थ डिजिट 0 है ना, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे हम लोग, उसको इग्नोर कर देंगे, वो हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है ना. तो अभी मेंटिसा पार्ट कैसे ढूंढते, देखो 12 3 4 ऐसे स्प्लिट करना सीखो नंबर को. कैसे? 12 3 4 ऐसे स्प्लिट करना सीखो नंबर को. सो 12 को ढूंढो पहले. 12 को कहाँ पे दिख रहा है मुझे? 12 यहाँ पे दिख रहा है. देखो 12 कहाँ पे दिख रहा है? 12 यहाँ पे दिख रहा है. दिख रहा है सबको 12? कौन सा टेबल देख रहे हो? मैं लॉगरिथम्स का टेबल देख रही हूँ. काफी सारे लोगों का क्या होता है, टेबल ओपन करते हैं एंटी लॉग का और चेक करते हैं लॉगरिथम. ऐसा मत करो, लॉगरिथम का ही टेबल चेक करना पड़ेगा. सो 12 मिल गया मुझे, 12 मिल गया मुझे. 12 के बाद कौन सा नंबर है? 3. तो 12 को हम लोगों को देखना है 3 में. क्या आया नंबर फिर ये? 8.0889 आया. आगे भी नंबर है 4. देखो हाँ, ध्यान से देखो, 12 को पहले मैंने सर्च किया, 12 मुझे मिल गया है ना. 12 को मैंने पहले सर्च किया, देखो 12 को मैंने पहले सर्च किया, 12 मुझे मिल गया यहाँ पे. फिर उसके बाद मैंने 12 को 3 के कॉलम में चेक किया, 12 को मैंने 3 के कॉलम में चेक किया. क्यों चेक किया? क्योंकि अगला नंबर 3 था. अब मैं उसको 4 के कॉलम में चेक करूंगी. अब 4 का कॉलम किधर है? इधर मीन डिफरेंस के यहाँ पे. तो इसी लाइन में आगे आ जाओ, मीन डिफरेंस का कॉलम 4 का क्या है? 14. लुक एट इट केयरफुली, क्या क्या हो रहा है देखो. पहले मैंने 12 के कॉलम को चेक किया, 12 का कॉलम, 12 का रो ये था, ठीक है. आगे आई मैं 3 के इसमें चेक किया मैंने, क्या था वो? 0889 9. उसके बाद आगे आए हम लोग, आगे मीन डिफरेंस में 4 के कॉलम में क्या था? 14 था. अब हमारा काम क्या है, इस 0899 को 14 में ऐड कर दो. समझ में आई बात? 0899 को 14 में ऐड कर दो तो कितना आया फिर ये? 0899 एंड 14 दोनों का एडिशन, देखते कितना आता है. 0899 एंड 14 का एडिशन. प्रिंट ये क्यों नहीं हो रहा है? 0899 एंड 14 का एडिशन कितना आता है देखते हैं फिर ये. 9 and 4 13, 9 and 2 11, दिस इज व्हाट 90. कितना आया? 01 0913. ओके 0913. अब ये जो 0913 नंबर आया है ना, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0913. ये हो गया लॉग ऑफ 1 2 3 4, लॉग ऑफ 1 2 3 4. समझ में आई बात कैसे ढूंढते हैं लॉग ऑफ ए नंबर. ओके, पहले हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने मेंटीसा फाइंड आउट किया. मेंटीसा फाइंड आउट करने के बाद, यस, मेंटीसा कैसे फाइंड आउट किया, समझ में आ रही बात? मेंटीसा कैसे फाइंड आउट किया, मेंटीसा फाइंड आउट करते वक्त हम लोगों ने उस पर्टिकुलर नंबर को उस कॉलम में ढूंढा, उसमें मीन डिफरेंस ऐड किया और फिर वो तुम्हारा बन गया मेंटीसा. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंटीसा में कुछ चेंज होगा क्या? देखो जरा अगेन फिर से मेरे पास. मैंने क्या बोला, जब भी तुम मेंटीसा फाइंड आउट करोगे डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ. मेरे पास कौन से डिजिट से फिर?
1, 2, 3, 4 इतने डिजिट है मेरे पास, है ना, 1, 2, 3, 4। सो 12 को देखो फिर से 3 में, ओके उसके बाद देखो 4 में, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द सेम नंबर। ओके सो अरे यार इसके स्टेप्स ना लिख के देना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके स्टेप्स लिख के देना थोड़ा सा। मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर कोशिश की थी लेकिन फिर वो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, इसके ना स्टेप्स लिख के देना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सो थोड़ा सा प्रैक्टिस ही करो सो दैट याद रह जाए, बहुत प्रैक्टिस होने वाला है, डोंट वरी। हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं रिग्रेशन में तो उतने में याद हो जाएगा। अभी तक तुम लोग क्या करते थे ना, लॉगरिदम को तुम लोग इसमें पढ़ते थे, प्रैक्टिकल्स में पढ़ते थे तो वो सिर्फ उतने टाइम तक का होता था तो तुम लोग भूल जाते थे बाद में, तो अभी वैसा नहीं होगा, अभी हमें पूरा चैप्टर उसी पे सॉल्व करना है तो बहुत सारे कैलकुलेशन हमारे पास है, ठीक है। 5 डिजिट का लॉग है ना, मैं थोड़ी देर मतलब थोड़ा बाद में सिखाऊंगी, और 5 डिजिट का वैसे भी होता नहीं है एक्चुअली, अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है हम लोगों को। 5 डिजिट का जो है ना होता नहीं है, वो हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 5 डिजिट के हम 5 डिजिट ला ही नहीं सकते ना, हम 5 डिजिट ला ही नहीं सकते, ये प्रॉब्लम होती है, ओके तो इसलिए 5 डिजिट का लॉग लाना मुश्किल है, हम लोगों को 4 डिजिट का ही ले पाते हैं हम लोग। ओके चलो अभी थर्ड इस पे चलो, अभी अभी बहुत प्रैक्टिस होने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट, हैव अ पेशेंस। 12.34, ओके तो ये हो गया, वन क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट से तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 माइनस किया और 1 आया। अब 1, 2, 1, 2 and 3, 4 फिर से 1, 2 को देखो 3 के अंडर 0899 एंड 4 क्या है 14, तो 0899 एंड 14 फिर से कितना आएगा 0913 0913। ओके डोंट वरी, बहुत सारा प्रैक्टिस होने वाला है। अभी ये तुम लोगों को 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सब जगह पे दिख रहा है, मुझे बस तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस समझाना था, ओके इसीलिए मैंने नंबर्स सेम लिए। अभी मैं थोड़ी देर बाद और कुछ नंबर्स लेने वाली हूँ, ठीक है, वेट वेट फॉर सम टाइम। नेक्स्ट 1.234 क्या हो जाएगा 1.234, यस फिर से 12 को हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू टेक फर्स्ट 2 डिजिट्स ओनली, यस यू विल हैव टू टेक 12, यू विल हैव टू टेक 12 को देखना है किसके अंडर 3 के अंडर, 12 को देखना है 3 के अंडर एंड 4 इज योर मीन डिफरेंस, इस 4 को तुम लोगों को ऐड करना है, सो अगेन यू विल गेट 0913। ओके नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 फिर से 12 को देखना है 3 के अंडर, 12 को देखना है 3 के अंडर 0899 4 मतलब ये 0899 प्लस 14 विच इज 0913। ओके नेक्स्ट 1, 2 फिर से 12 and 3, 4 ओके 12 को देखना है 3 के अंडर 0899 एंड देन 4 14 को ऐड करो उसमें 0899 प्लस 14 फिर से मुझे क्या मिलेगा 0913। ओके अब यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, देखो अब मैंने 1 बार तो लिख दिया लेकिन 1023 तो मुझे किसको चेक करना पड़ेगा, 10 को चेक करना पड़ेगा, है ना 10 को चेक करना पड़ेगा, तो 10 यहाँ पे है। ओके देखो जरा 10 को कैसे चेक करना है, 10 को चेक करना पड़ेगा 2 के अंडर, 10 यहाँ पे है, 10 को चेक करना पड़ेगा 2 के अंडर और आगे का नंबर कौन सा है 3, तो 3 यहाँ पे है मीन डिफरेंस, तो ये जो नंबर है उसको उसमें मीन डिफरेंस ऐड कर दो 0086 प्लस 12 कितना आया 0098 आया। ओके सो 0098 आया तो लिख देते हैं फिर वो 0098 0098 गॉट इट, यस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट 3 बार है, अब क्या करोगे, यस अब क्या करोगे, 00 तो है नहीं अपने पास,
जीरो जीरो तो है नहीं अपने पास। देखो मेरा नंबर क्या है अभी, मेरा नंबर क्या है देखो, अभी नंबर क्या है 001। मैंने क्या बताया था कि जैसे ही तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, भूल जाओ कि हमारे पास कोई नंबर भी है, सॉरी डेसिमल भी है, भूल जाओ कि हमारे पास कोई डेसिमल भी है। ओके, तो डेसिमल तो हम लोग भूल गए, तो नंबर क्या हो गया फिर, 0001 है ना, 0001 ये नंबर हो गया। ओके, अब इस नंबर को कैसे लिखे, इस नंबर को टेबल में कैसे चेक करें, हमारे पास तो 00 है नहीं, है ना, हमारे पास तो 00 है नहीं। तो 0001 का मतलब क्या होता है, वन होता है। 0001 का मतलब क्या होता है, वन होता है, सही है ना बात। और तुम यहाँ पे कितने भी जीरोज रख दो, देखो सामने ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे 0.001 मेरे पास है, तो इस वन के सामने मैं कितने भी जीरोज रख सकती हूँ ना, वन के सामने मैं कितना भी जीरोज रख सकती हूँ। ओके, सो आई विल पुट टू जीरोज, आई विल पुट टू जीरोज, क्यों, क्योंकि फिर मेरा नंबर कैसे हो जाएगा, देखो 0001 00 ऐसे हो जाएगा मेरा नंबर, है ना। तो ये जीरोस को तो कोई वैल्यू नहीं होता, ये जीरोस को तो कोई वैल्यू नहीं होता। ओके, तो किसको देखना पड़ेगा हम लोगों को, 10 को देखना पड़ेगा। सो 10 को देखो किसमें, जीरो में, 10 को देखो जीरो में, क्या समझ में आ रहा है 10 को जीरो में देखने के बाद, 0 0 0, सो इट इज 0 0 0 0। ओके, ये सिर्फ यही इसी इसी के केस में होगा, जैसे कि 0.003 आया तो उस केस में होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, यस मैंने क्या किया, 0 0 आगे रख दिए और फिर डेसिमल को हटा दिया, डेसिमल को वैसे भी कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं, तो 0 0 0 1 0 0, अब ये 0 0 को तो कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो मैंने क्या किया, 10 को जीरो में देखा, 10 को जीरो में देखा, समझ में आ रही बात मैंने क्या क्या बोला, यस। देखो एग्जाम में ना तुम लोग लॉग कैलकुलेशंस जब करते हो उसको मार्क्स नहीं रहते, तुम्हारा आंसर सिर्फ मैटर करता है, लॉग कैलकुलेशंस को एग्जाम में मार्क्स नहीं रहते हैं, फिर से मैं बता रही हूँ, लॉग कैलकुलेशन के स्टेप्स को एग्जाम में मार्क्स नहीं रहते हैं, ठीक है। दे शुड जस्ट दे, क्योंकि देखो क्या होता है, सपोज तुम लोगों को ऐसा कुछ नंबर आया 23.43 × 86/23, तो इसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना है इसलिए हम लोग लॉग यूज करते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना है इसलिए हम लोग लॉग यूज करते हैं, हम लोग लॉग ऐसे एज अ स्टेप नहीं यूज करते हैं, वो क्वेश्चन का स्टेप नहीं रहता है, वो सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो तुम कोई बोलेगा कि नहीं मुझे लॉग से नहीं करना है, मुझे एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करके उसको डिवाइड करना है, कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो रिमेम्बर दिस कि लॉग कैलकुलेशन के लिए मार्क्स नहीं रहते, लेकिन लॉग कैलकुलेशन शो करो, नहीं तो फिर एग्जामिनर को लगेगा कि अरे भाई इसने तो सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा है और आंसर तो सामने वाले का कॉपी किया है, ऐसे लगेगा। ओके, सो लॉग कैलकुलेशन को शो शो किया तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स अलॉट नहीं किए रहते, लेकिन अगर नहीं किया तो एग्जामिनर के मन में ऐसा आ सकता है कि यू हैव कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर। ओके, तो फिर वो नहीं होना चाहिए, कुछ तो कैलकुलेशन अपने रफ वर्क में हमें उनको एग्जामिनर को दिखने चाहिए, ठीक है, रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, कोई भी कैलकुलेशन, तुम चाहे लॉग करो, तुम चाहे मल्टीप्लीकेशन करो, तुम चाहे डिविजन करो। ओके, सो ये हो गया अपना एट्थ एट्थ पार्ट। अभी अभी कुछ और प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, अभी मैं कुछ नंबर्स दूंगी उसके लॉग्स मुझे फटाफट बताओ, ठीक है। सबके पास अभी लॉग टेबल है, सबको सबको मैंने ग्रुप पे शेयर किया है लॉग टेबल, फटाफट फटाफट कर दो। अभी 9th लॉग ऑफ 102.3, चलो बताओ क्या होगा इसका लॉग। ओके, अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे इतने,
एग्जाम का टाइम खत्म होगा, लेकिन मार्क्स भी तो नहीं मिलेंगे फिर। ढूंढा नहीं तो मार्क्स भी तो नहीं मिलेंगे, है ना? ढूंढा नहीं तो फिर मार्क्स भी तो नहीं मिलेंगे फिर कैलकुलेशन में, भी तो प्रॉब्लम है। ओके, अब कितना है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टर 3 डिजिट्स है ना हमारे पास, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया? 2.10 को 2 एंड 3 में चेक करो। 10 को 2 में चेक किया और 3 में चेक किया, है ना? 10 को 2 में चेक किया, कितना आया? 01 0128। फिर 2 में चेक किया, सॉरी 10 को 2 में चेक किया, 0086। और 3 का मीन डिफरेंस उसमें ऐड किया, दैट इज 12, तो ये आया 8900। सो 2.0098, 2.0098। कौन सा? रिग्रेशन चैप्टर। हाँ, रिग्रेशन चैप्टर फाउंडेशन में है। अरे पर लॉग कैलकुलेशन फाउंडेशन में नहीं है। लॉग कैलकुलेशन तुम क्यों करते हो? मैंने अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, लॉग कैलकुलेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं। लॉग कैलकुलेशन तुम लोगों को बोर्ड में इसलिए यूज करना है क्योंकि तुम लोगों को बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस रहते हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशंस, बड़े बड़े डिविजन्स, वो आ जाए, इसलिए हम लोग लॉग यूज करते हैं बोर्ड्स में। समझ में आ रहा है? फाउंडेशन में तुम्हारे पास कैलकुलेटर रहता है तो तुम्हें लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये चैप्टर तो है फाउंडेशन में भी, रिग्रेशन चैप्टर तो है फाउंडेशन में भी। ओके, चैप्टर है लेकिन चैप्टर का और लॉग का कुछ लेना देना नहीं है। देखो, लॉग तुम क्यों यूज करते हो? रिग्रेशन में लॉग यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके कैलकुलेशंस बड़े हैं। ओके, लॉगरिथम इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए चैप्टर, इट इज नॉट ए कॉन्सेप्ट इन दैट चैप्टर, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। ओके ओके, रुको रुको रुको, इतनी जल्दी कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन में नहीं बताऊंगी। पहले तुम लोगों को लॉग कैसे फाइंड आउट करता है सीखना पड़ेगा, फिर तुम लोग एंटी लॉग फाइंड आउट करते सीख, तीसरी स्टेज में मैंने बताया मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगी। अभी तो पहली स्टेज चालू है अपनी, तीसरी स्टेज में मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगी। 10 लॉग ऑफ, जल्दबाजी मत करो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, सब कुछ सिखाने वाली हूँ मैं, ऐसे कुछ नाइंसाफी नहीं होगी तुम्हारे साथ। चलो अब बताओ क्या होगा। चलो बताओ जल्दी जल्दी, अब क्या होगा इसका लॉग? लॉग फाइंड आउट करना पहले सीखो, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैं एंटी लॉग सिखाऊंगी, फिर मैं कैलकुलेशन में इसका यूज कैसे होता है सिखाऊंगी। आया आंसर? अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं इतने? ओके, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? 1 पॉइंट, है ना? डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? 1 पॉइंट। ओके, 23 को किस में देखना है? 23 को 4 में देखना है। आगे कुछ है इसके? कुछ नहीं है ना, तो छोड़ दो, क्यों देख रहे हो फिर आगे, है ना? 23 को सिर्फ 4 में देख के छोड़ दो। 23 को मैंने 4 में देखा, लुक एट दिस, 23 का ये रो है, उसको हमें देखना है 4 में, मतलब ये हो गया अपना 3692, है ना? 26 को हम लोगों को देखना था 4 में, देखो 26 को हम, 23 को सॉरी, हम लोगों को देखना था 4 में, कितना आया ये? 3692। ओके, 3692, तो 3692, कुछ ऐड वगैरह नहीं करना है, 1.3692, दैट्स इट, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, अगला नंबर। चलो कोशिश करो। 9th वाला, 9th वाले में हमारे पास कितने डिजिट्स है डेसिमल से पहले? 3
तीन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स टू लिखा। फिर मुझे 10 को 2 में और 3 में देखना है, तो मैंने 10 को क्या किया, 2 में देखा 08 0086, एंड उसके बाद 3 में देखा मीन डिफरेंसेस 12। ओके, और ये कितना आया फिर, 8900। तो ये हो गया तुम्हारा मेंटिसा पार्ट। यस कार्तिक, समझ में आया? ओके, अब 0.0023, 0.0023। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो डेसिमल से पहले जीरो है, तो मुझे डेसिमल के बाद वाले जीरोस एंड पहले वाले जीरोस काउंट करने पड़ेंगे, कितने हैं, तीन। सो ये हो गया 3 बार, 3 बार पॉइंट। अब 23 को ऐसे लिखो, 0.0023 को ऐसे लिखो। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, डेसिमल को हटा दो तो ये तो गया, ये जीरोस को वैसे भी कुछ मीनिंग नहीं रहता, तो किसको देखना है हमें, 23 को देखना है जीरो में, 23 को देखना है जीरो में, तो 23 को देखते हैं जीरो में, 23 किधर है, 23 को देखा जीरो में, 3617, 3617। ओके, अरे हाँ ना, टेबल बहुत छोटा दिख रहा है, क्या करें अभी। आई डू वन थिंग, वेट एक मिनट, एक काम करते हैं हम लोग। अब मैं यहीं पे तुम लोगों को ये बताती हूँ, क्वेश्चंस लिख के देती हूँ, ठीक है, इसी पे तुम नोट कर लेना। बट ओके, लॉग ऑफ फाइंड आउट करो अभी, 5.678। चलो बताओ मुझे इसका आंसर, लॉग ऑफ 5.678। तुम्हारे पास, मैंने ग्रुप पे शेयर किया है वो, क्या दो डिवाइसेस यूज करो, एक डिवाइस पे तुम्हारा टेबल ओपन रखो और एक डिवाइस पे तुम लोग ये कर दो अपना लेक्चर। ओके, एक आंसर आया मेरे पास, या फिर बेस्ट वे प्रिंट आउट ही ले लो इसका, प्रिंट आउट लिया तो वेल एंड गुड। ओके, ज्यादा स्क्रीन से कांटेक्ट नहीं होगा। ओके, 7.5, अलग अलग क्यों आ रहे हैं आंसर्स, किसी का 7.544 आ रहा है, किसी का 7.541 आ रहा है। यस देखते हैं अभी, पहले तो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा फिर, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जीरो, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 0.। 56 को 7 में और 8 में देखना है ना, 56 को 7 में और 8 में देखना है, देखो 56 56 56 56। फिफ्टी सिक्स को देखना है 7 में, 7536 है ना, एंड 8 में मीन डिफरेंस ऐड कर दो। 56 को 7 में देखा, सेवन में देखा, और ये मीन डिफरेंस ऐड कर दो, है ना, तो कितना हो गया, 7536 प्लस 6, 7536 प्लस 6, दोनों का एडिशन कितना हो गया, 7542, है ना, 7536 प्लस 6, दोनों का एडिशन कितना हो गया, 7542। अंडरस्टूड दिस पार्ट, यस समझ में आ रहा है, लॉग का अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो, तुरंत पूछो। ओके, अभी दो तीन और एग्जांपल्स करते हैं, फिर एंटी लॉग सिखाऊंगी मैं, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, लॉग ऑफ, जीरो पॉइंट टू, 0.02 ही ले लो, चलो
कोशिश करो, लॉग ऑफ 0.2। ओके ओके गुड। चलो 0.0 है, इसका मतलब ये 1 बार होगा पॉइंट, 2 है ना अपने पास, तो 0.0 इसके पीछे, इसके आगे कितने भी जीरोस लगा सकते हो तुम लोग। अब डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ, है ना, डेसिमल को भूल गए हम लोग। तो अब ये 0 को तो वैसे भी कुछ वैल्यू नहीं रहता, इसको हटाओ। ये 20 को देखो 0 में, सो 20 को मैंने देखा 0 में, तो मुझे क्या दिख गया, 3010, 3010 ये हो गया उसका लॉग। गेटिंग में पॉइंट, गेटिंग में पॉइंट, किसी को कुछ डाउट है? यस, समझ में आई बात। वन मोर, लॉग ऑफ 3.333, और एल्स मेक इट, वेट वेट वेट, 33.33। ओके आई आंसर, गुड। सो 33 है ना अपने पास, दो नंबर्स है डेसिमल से पहले, तो 1 पॉइंट आएगा, है ना। और 33 को 3 में और फिर से 3 में देखना है, तो 33 यहाँ पे है, 33 को हम लोग देख रहे हैं 3 में, मतलब ये हो गया। और उसको फिर से 3 में देखो, फिर से 3 में, तो मतलब ये हो गया, है ना। तो 5224+4, 5224+4 विच इज 5228, तो क्या हो जाएगा फिर, 5228, 5228, समझ में आई बात, 5228। गेटिंग में पॉइंट, यस, समझ में आ रहा है। अब जाए एंटीलॉक की तरफ, चलो एंटीलॉक की तरफ चलते हैं अभी। फाइंडिंग एंटीलॉग ऑफ ए नंबर, दूसरे स्टेज पे आए हम लोग। हाँ, फाइंडिंग एंटीलॉग ऑफ ए नंबर, ओके, सेकेंड स्टेज पे आ गए हम लोग। चलो अभी देखते हैं फर्स्ट। देखो एंटीलॉग के ना दो तरीके हैं फाइंड आउट करने के, एंटीलॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। ओके, मतलब दो टाइप्स है, दो यू कैन से दो कैटेगरी के एंटीलॉग हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एंटीलॉग हो सकता है, एक नेगेटिव एंटीलॉग हो सकता है। तो दोनों केसेस में हम लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए। तो एंटीलॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, पहली बात तो थोड़ा सा समझ लो एंटी लॉग होता क्या है, ठीक है। देखो हमारे पास मान के चलो एक एक्सप्रेशन है, लॉग ऑफ ए टू द बेस 10 इज बी, लॉग ऑफ ए टू द बेस 10 इज व्हाट, बी, ये नंबर है हमारे पास। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 10 रेज टू बी, ए इज इक्वल टू व्हाट, 10 रेज टू बी, ये होता है लॉग टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन। ओके, अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोग ये करते थे, मतलब ये जो नंबर्स दिया रहता था ना 23.4, ये तुम्हारा ए रहता था, ये जो नंबर है 0.0023, ये तुम्हारा ए रहता था, फिर
ये जो तुम्हारा 102.3, ये तुम्हारा ए रहता था, और तुम जो कैलकुलेट करते थे वो क्या था, बी था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये ए जो है, ये ए क्या था, ये नंबर था, ये 10 उसका बेस है, तो ये ए 23.4, 0.0023। उसके बाद हम लोगों ने काफी सारे नंबर्स ट्राई किए, वो सारे नंबर्स मतलब तुम्हारा ए था। और उसका तुम लोग जो आंसर मुझे बताते थे, वो जो आंसर तुम लोग बताते थे वो आंसर था तुम्हारा बी। ओके, जो आंसर तुम लोग मुझे बताते थे वो क्या था, बी था। ओके, अब इसको हमें करना है एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट। अभी अभी क्या होगा, अभी तुम लोगों को बी दिया रहेगा और तुम लोगों को फाइंड आउट करना है ए। एंटीलॉग में क्या दिया रहता है, बी दिया रहता है और तुम लोगों को फाइंड आउट करना रहता है ए। ओके, तो सपोज जैसे कि मैंने बोला एंटीलॉग ऑफ 0.03 फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब तुम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हो, 10^0.03 फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, जब मैं तुम लोगों को बोलूंगी फाइंड आउट एंटी लॉग ऑफ 0.8 या फिर 1.86, इसका मतलब तुम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हो, तुम लोग 10^1.86 कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, तो ये होता है एंटी लॉग, ये है एंटी लॉग के पीछे का लॉजिक। ओके, अब हम इतना तो कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई, तुम लोग 10^2 पूछो हम 10^2 बता देंगे, 10^3 पूछो तुम लोग हम 10^3 बता देंगे, लेकिन 10^2.5 पूछा तो हमें बताते नहीं आएगा, हमें एंटीलॉग टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये उसका मीनिंग है। ओके ओके, चलो फिर अभी अभी एंटीलॉग ऑफ कुछ नंबर्स हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलो पहले एंटीलॉग ऑफ लेट से 2.368। ओके, ये फाइंड आउट करना है तो कैसे होता है, देखो एंटी लॉग ऑफ 2.368, इसमें ना इसको नंबर को हम लोग स्प्लिट करते हैं। कैसे, इस टू, ये टू वाले पार्ट को हम लोग लिखते हैं 2, 10^2, एंड ये 0.368 वाले पार्ट को हम लोग सर्च करते हैं। टू वाले पार्ट को हम लोग लिखते हैं 10^2, एंड 0.368 वाले पार्ट को हम लोग सर्च करते हैं। इसमें एंटी लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में, लॉग वाले टेबल में नहीं। 368 को मुझे सर्च करना है कहाँ पे, एंटी लॉग में। देखो आगे ही एंटी लॉग एरिदम का टेबल है, देखो यहाँ पे सर्च करेंगे, किसको सर्च करेंगे, 0.386 को सर्च करेंगे, ठीक है। सो 0.386, 0.386, 0.38 मिल गया मुझे, यहाँ पे 0.38 मिल गया। अब इसको किस कौन से कॉलम में चेक करना है, सिक्स्थ कॉलम में चेक करना है, तो 0.38 मिल गया, इसको हमें चेक करना है। सॉरी 368 था क्या या फिर 386 था, एक मिनट चेक करने दो मुझे, 368 था या थ्री, हाँ 368 था, सॉरी 368 था, करेक्ट। सो 368 को हमें चेक करना पड़ेगा फिर। ओके, 368 को हमें चेक करना पड़ेगा, 368 को, तो 36 किधर गया, यहाँ पे, उसको कौन से कॉलम में देखना है, एट्थ कॉलम में, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या हो गया, वो 2333, 2333 ये हो गया उसका एंटी लॉग। ओके, अब इसको लिखते कैसे है, देखो 2333 हम लोगों को मिल गया है ना, 2333 हम लोगों को मिल गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखते वक्त 2.333 लिखते हैं हम लोग, 2.333 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, थोड़ा सा साइड में रखो, बस टेक्निक याद रखो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे टू है तो इसका मतलब वो 3 डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ओके, आई आई वॉन्ट एक्सप्लेन दैट थिंग बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को, तो जस्ट रिमेम्बर इसके दो पार्ट होते हैं, ये जो पार्ट है ये हम लोग पावर के लिए यूज करते हैं, और ये जो पार्ट है ये हम लोग एंटी लॉग टेबल से फाइंड आउट करते हैं। और एंटी लॉग लिखते वक्त हमें एक डेसिमल शिफ्ट करके फिर एक 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 प्लेस शिफ्ट करके फिर डेसिमल देना है, एक प्लेस शिफ्ट करके फिर डेसिमल देना है। डोंट वरी, बहुत सारे अभी एग्जांपल्स होने बाकी है। ओके, ये हो गया फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड, एंटी लॉग ऑफ सिक्स, सिक्स नहीं, 1.205, 1.205, 1 ऐसा करते हैं, 1.205
वन, ओके, इसका एंटीलॉग हम लोगों को ढूंढना है। ओके, अब कैसे करोगे? देखो ये वन है, इसको कैसे लिखोगे? 10^1, ओके, इनटू ये क्या है? 0.2051, 0.2051, ओके। बताती हूँ बताती हूँ, आ जाएगा समझ में कहाँ पे एंटी लॉग यूज करते हैं, कहाँ पे लॉग यूज करते हैं। जस्ट वेट, अभी तक हम लोग कैलकुलेशन पे नहीं आए हैं। जस्ट अंडरस्टैंड द यूज ऑफ टेबल फर्स्ट, देन आई विल टेल यू द एप्लीकेशन, हैव ए पेशेंस, ओके। सो 0.2051 इसको हम अभी एंटी लॉग टेबल में चेक करते हैं। 0.2051, 0.2051, 0.2051, 0.20 है यहाँ पे, 5 मतलब 1600 और ये 1 मतलब 0, तो 1600 को 0 में ऐड कर दो, 1600 हो गया। अपना नंबर क्या था? 2051 था ना, 2051 अपना नंबर था, तो 20 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 1603 है। ओके देखो 2051 है ना, सो ये 20, ये है अपना 5 और ये है अपना 1। देखो 1 के अंडर चेक किया मैंने, है ना, 5 के अंडर चेक किया मैंने, ओके। तो ये क्या हो गया फिर? 260, सॉरी 1603, 1603 को 0 में ऐड, 0 में ऐड कर दो, 1603 आ जाएगा, है ना। तो अब 1603 कैसे लिखेंगे फिर? 1.603, ओके। तो इसका फाइनल आंसर लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे? 10^2 मतलब कितना होता है? 10^2 मतलब 100 होता है ना। 10^2 मतलब कितना होता है? 100 होता है। तो ये सब लिखना छोड़ दो, 10^2 है मतलब 2 डेसिमल्स मुझे शिफ्ट करने हैं, तो क्या हो जाएगा? 23 नहीं, सॉरी 233.3। 10^1 है मतलब मुझे 1 डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना आया फिर वो? 16.03, ओके। सो इस तरीके से चलो अब अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, एंटी लॉग ऑफ, चलो कोशिश करोगे? कोशिश करो चलो फटाफट। 3.034 चेक करो, 3.034, 3.034 चेक करो, टेबल तुम्हारे सामने है, एंटी लॉग ऑफ 3.034 चेक करो। एंटी लॉग ऑफ 3.034, ओके, वेरी गुड, 3.034, ओके। चलो देखते हैं अभी कितना आता। पहले तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब आई विल राइट 3, 10^3 इनटू 0.03 में देखो, 0.03 में देखो, 0.03 को 4 में देखो, 0.03, 0.03, ओके। उसको क्या करना है हम लोगों को? 4 में देखना है, तो 0.03 मतलब यहाँ पे आया, उसको देखना है हम लोगों को 4 में, मतलब क्या हो गया? 0.81। मुझे पता है तुम लोगों ने क्या किया होगा, क्या किया तुम लोगों ने? यस, 34 को देखा, करेक्ट? गलत, गलत। क्यों गलत? बिकॉज डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या है, वहां पे हम 34 को क्यों देखते थे? क्योंकि हमारे पास 0.03 लॉग में नहीं था। देखो हम लोग क्या करते थे लॉगरिदम के केस में, लुक एट दिस, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। लॉगरिदम के केस में हम लोग क्या करते थे? लॉगरिदम के केस में हमारे पास 0.0 ऐसा कुछ भी नहीं था नंबर, हमारे पास 0.03 ऐसा कुछ भी नंबर नहीं था, इसलिए हम लोग उसको क्या करते थे? 0.300 लगा के 30 में देखते थे। अभी हमारे पास जो एंटी लॉग वाला टेबल है, एंटी लॉग वाले टेबल में हमारे पास 0.03 है ना, 0.03 है ना एंटी लॉग में, तो क्यों उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हो,
ना, हमारे पास एंटी लॉक टेबल में 0.03 है, तो हम सीधा उसी को चेक करेंगे। 0.03 किधर है, देखो 0.03 हमारे पास है, किधर है 0.03, देखो यहाँ पे 0.03 किसमें देखेंगे उसको, 4 में देखेंगे, कितना आया 1081, 1081। जॉनी ने आंसर सही दिया है, क्या बात है। ओके 1081, ओके सो 1081। वन पॉइंट जीरो एट वन, ओके। अब ये तीन है ना, यहाँ पे तीन है ना नंबर यहाँ पे, तो 3 डेसिमल शिफ्ट कर दो, कितना हो गया ये 1081 हो गया। अंडरस्टूड? यस। कुछ डाउट हो तो पूछो, तुरंत पूछो। अच्छा पलकेश ने भी राइट दिया, क्या बात है पलकेश, गुड गुड गुड। यस यस यस, पलकेश ने भी राइट दिया है। ओके सो समझ में आई बात, गेटिंग माई पॉइंट। यस चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फोर्थ, एंटी लॉग ऑफ 0.06। चलो कोशिश करो। जीरो पॉइंट जीरो सिक्स, ओके। देखो अभी आ रहा है, गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ डेसिमल शिफ्टिंग में गड़बड़ कर रहे हो। देखो यहाँ पे 0 है ना, हम यहाँ का नंबर कहाँ पे रख देते हैं, 10 के सिर पे रख देते हैं, 10 के सिर पे रख दिया। 0.06 को सर्च करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 6 के सामने कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। 6 के सामने कुछ भी नहीं है तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम क्या सर्च करेंगे, 0.06 को 0 में सर्च करेंगे, 0.06 को 0 में सर्च करेंगे, 0.06 को 0 में सर्च करेंगे, कितना आया फिर वो 1148, 1148। सो ये हो गया 1.148। अब यहाँ पे 3 था तो मैंने 3 प्लेसेस शिफ्ट कर दिए, अब यहाँ पे 1 था तो मैंने 1 प्लेस शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 0 है तो कुछ भी प्लेस शिफ्ट नहीं होगा, वहां पे 0 है तो कोई भी प्लेस शिफ्ट नहीं होगा। 10K सिर के ऊपर 1 था तो 1 प्लेस शिफ्ट हुआ था, 10K सिर के ऊपर 3 था तो 3 प्लेसेस शिफ्ट हुए थे, 10K सिर पे 0 है तो 0 प्लेसेस शिफ्ट होंगे। पलकेश का सही आया है आंसर, वेरी गुड करेक्ट। बस पलकेश का ही सही आया है इस बार तो, और कोई नहीं है शायद से। रेस टू 0 इसका वैल्यू 1 होता है, रेस टू 3 का वैल्यू क्या होता है 1000 होता है। दीपा दीपा ओके उसका भी सही आया, गुड। रेस टू 2 मतलब उसका वैल्यू 100 होता है, तो 10 रेस टू 0 मतलब वैल्यू 1 होता है। ओके तो कंफ्यूज मत होना, क्यों आंसर नहीं भेज रहे हो रे। फिफ्थ वन नेक्स्ट, एंटी लॉग ऑफ 0.056, कोशिश करो। चलो आंसर दो, एंटी लॉग। देखो हो रहा ना कंफ्यूजन, चल रहे थे कैलकुलेशन करने, जा रहे थे मल्टीप्लिकेशन करने, यही पे कंफ्यूजन हो रहा है। पहले ये कंफ्यूजन हटाओ, फिर सिखाऊंगी बाकी सब चीजें। अच्छा टेबल चाहिए 0.056,
आया आंसर? गुड, अभी इस बार थोड़ा काफी सारे लोगों का सही आया है. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? 0 पॉइंट ना, मतलब ये 10^10 इंटू 0.056, 0.056, 0.05 यहाँ पे है. उसको किस में देखना है? 6 में देखना है. 1138, 1138. तो क्या हो जाएगा फिर? 1138 को लिखेंगे 1.138. ओके, सो 10^0 मतलब 0 प्लेसेस शिफ्ट होंगे, तो क्या हो जाएगा वो? 1.138, 1.138. गुड. ओके, काफी सारे लोगों का अभी सही आया है आंसर. गुड गुड गुड. ओके, आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी थोड़ा सा अलग. एंटी लॉग ऑफ 10^2, सॉरी 10^2 नहीं, एंटी लॉग ऑफ 2^0.861. एंटी लॉग ऑफ 2^0.861, दिस इज द नंबर. तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 2^0.861. देखो, 2 बार को हम लोग लिखते हैं 10^-2. 2 बार को हम लोग क्या लिखते हैं? 10^-2. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर. आ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर. एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर अलग चीज होती है. ओके, एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर अलग चीज है, ये चीज अलग है. ठीक है, सो 10^-2. ठीक है, और इसको तो एंटी लॉग टेबल में चेक करेंगे. 0.861. ओके, 0.861. चलो देखते हैं फिर. 0.861, 0.861. पॉइंट एट सिक्स को देखना है 1 में, विच इज 7261. हाँ, 7261. ओके, 7261. 0.6 को ये 0 हो गया, 7244 मतलब ये क्या हो गया? 61. ओके, 7261. सो 7261 को कैसे लिखोगे? 7.261. अब ये -2 है ना, -2, इसका मतलब डेसिमल्स इस साइड शिफ्ट होंगे. -2 है मतलब डेसिमल्स इस साइड शिफ्ट होंगे. पहले क्या था अपना? +2 था, तो डेसिमल्स उस साइड शिफ्ट हो रहे थे. अभी -2 है 10 के ऊपर, तो डेसिमल्स इस साइड शिफ्ट होंगे. कितने प्लेसेस? 2 प्लेसेस. -2 है ना, तो 2 प्लेसेस. तो एक प्लेस तो 7 का है, एक प्लेस के जगह पे 0 रख देंगे. 0.07261, 0.07261. समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? यस, 0.07261. ओके, आगे बढ़ते हैं. अभी सेवेंथ क्वेश्चन. कोशिश करोगे? चलो कोशिश करो. एंटी लॉग ऑफ 1^0.0862. चलो बताओ. 1^0.0862. यस, आया आंसर? आ रहा है आंसर? यस, टेल मी. ओके, 10^-1 इंटू ये वाला पार्ट टेबल में चेक करते हैं. ओके,
ये वाला पार्ट टेबल में चेक करते हैं, 0.0862, 0.08 को देखेंगे सिक्स में, मतलब 0.0866 मतलब हो गया ये, और टू मतलब हो गया ये, कितना हो गया 1219 प्लस 1 1220 1220 ओके 1.220 माइनस वन है, माइनस वन मतलब यहाँ पे शिफ्ट होगा एक प्लेस, तो क्या हो जाएगा वो 0.1220 अंडरस्टूड? यस, गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई अभी बात? अभी ये इस टाइप के एंटीलॉग आ जाएंगे तुम लोगों को सॉल्व करते, अभी आगे बढ़ू मैं? यस, शुड आई मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ? आगे जाऊँ मैं अभी? ओके, किसी को कुछ डाउट अभी तक एंटीलॉग लॉग में? अभी एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव नंबर थोड़ा सा अलग है, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर थोड़ा सा अलग है. देखो अभी क्या करना है, फर्स्ट एंटी लॉग ऑफ, सपोज तुम लोगों को पूछा है माइनस टू पॉइंट, व्हाई इज द बेस ऑलवेज 10? जनरली अभी ऐसे कुछ रूल नहीं है उसका, उन्होंने बस एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बेस 10 रखा है, ऐसे कुछ ये नहीं है. ये जो तुम लोग सारे, तुम कैलकुलस की बात करोगे ना तो बेस ई रखते हैं वो लोग, और इसकी बात करोगे तो बेस 10 रखते हैं वो लोग, ऐसा कुछ उसमें ठोस ऐसा रीजन तो नहीं है. एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उन्होंने बेस 10 रखा है, ठीक है, बेस 10 को रख के उन्होंने पूरा टेबल बना दिया है, सारे टेबल्स मतलब तुम्हारे लॉगरिथम के, एंटी लॉगरिथम के, दोनों टेबल्स बेस 10 रख के किए हुए हैं. ओके, तो बेस अलग आता है तो टेबल हम लोगों को थोड़ा अलग वे में यूज करना पड़ता है, तो वो सब इतना कॉम्प्लिकेटेड तुम लोगों को नहीं है. ओके, सो एंटी लॉग ऑफ सपोज मेरे पास है माइनस 2.3061 इस तरीके से. ओके, मेरे पास एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.3061 ऐसा कुछ नंबर है. देखो टू बार अलग है एंड माइनस टू अलग है. क्या बोला मैंने? टू बार इज डिफरेंट एंड माइनस टू इज डिफरेंट. टू बार अलग चीज है, माइनस टू अलग चीज है. देखो कैसे होगा अभी, लुक एट दिस, माइनस टू एंड माइनस 0.3061. मैंने क्या किया, इस नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट किया. ओके, माइनस 2.3061 मैंने उस नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट किया. अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें माइनस वन और इसमें प्लस वन ऐड कर रही हूँ, इसमें माइनस वन और इसमें प्लस वन ऐड कर रही हूँ. तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, माइनस थ्री मिल गया. और यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो वन ये प्लस वन है और ये माइनस 0.3061.0000 सब्ट्रैक्शन हो जाएगी इनके, है ना, इनकी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी. तो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट, कितना आया फिर ये 9 आया, ये कितना आया 3 आया, ये कितना आया 9 आया, ये कितना आया 6 आया, ये कितना आया 0. सो ये क्या हो गया 0.6939. ओके, तो ये हो गया माइनस थ्री और ये हो गया प्लस 0.6939. देखो अब ये जो नंबर है इसको हम लोग यूज करेंगे एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए, ये जो नंबर है इसको हम लोग यूज करेंगे एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए, और ये जो नंबर है इसको हम यूज करेंगे 10 के पावर के लिए. ओके, कैसे कैसे प्रोसीड किया, देखो यहाँ पे माइनस टू एंड ये 3061 था तो मैंने उसको स्प्लिट किया. कैसे स्प्लिट किया, माइनस टू माइनस 3061 ऐसे स्प्लिट किया. कर सकते हैं ना ऐसे स्प्लिट, इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं इसको.
फिर माइनस टू के पार्ट में मैंने माइनस वन कर दिया, और माइनस ये वाले पार्ट में मैंने प्लस वन कर दिया, ठीक है। अब क्या मिल गया हम लोगों को, अब ये मिल गया माइनस थ्री और ये हो गया सब्ट्रैक्शन। माइनस वन अभी क्या है ना, ये जो माइनस वन मैंने किया है, दिस इज टू ऑब्टेन थ्री बार। क्या होता है ना, देखो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बार में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर बार आता है तो मेरा काम आसान हो जाता है। इस बार का मतलब क्या होता है, टू बार प्लस 0.861, ये ऐसा ऐसे उसका मीनिंग है, इसका मीनिंग। तो मेरा ये जो नंबर है ना, मेरा ये नंबर उस फॉर्मेट में नहीं है, तो मुझे उस फॉर्मेट में लाना है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, माइनस वन प्लस वन करती हूँ। मुझे उस फॉर्मेट में लाना है उस नंबर को कि माइनस थ्री प्लस ऐसा, सो दैट आई कैन यूज इट लाइक थ्री बार, इसलिए मैंने माइनस वन प्लस वन किया है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में, बार वाले फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने उसको माइनस वन प्लस वन किया है, ओके। सो इसलिए अभी ये माइनस थ्री क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट एज 10^-3, आई कैन राइट इट एज 10^-3। हाँ, क्या हो गया, हैंड रेज आया, कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। यस, ओके। माइनस थ्री कैसे आया, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, एडिशन उनका, माइनस वन माइनस टू, एडिशन क्या हो गया, माइनस थ्री हो गया, है ना, ओके। नेक्स्ट, अब इसको चेक करोगे एंटी लॉग में, इसको चेक करोगे एंटी लॉग में, ठीक है। सो एंटी लॉग में चेक करो, 0.6939, 0.6939, देखो 0.6939 कहाँ पे है अपना, थ्री एंड नाइन पहले वहां पे मार्क कर लेते हैं। 6939 है ना, तो थ्री एंड नाइन, 0.6939, अरे ओ, ओ, ओ. सिक्स नाइन थ्री नाइन, सो 6939 मतलब 4933 एंड 10, तो 4932 एंड 10 उनका एडिशन कितना हो जाएगा, 4942 हो जाएगा, है ना, उनका एडिशन कितना हो जाएगा, 4942 हो जाएगा। सो लेट्स 4942, सो इंटू 4942, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 4.942 लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पे माइनस थ्री है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तीन प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे, तो एक प्लेस मेरे पास है, बाकी के दो प्लेसेस होंगे मेरे जीरोस, एंड यहाँ पे 0.004942। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से हो जाएगा, डोंट वरी। एक पहला क्वेश्चन देखे डर मत जाओ, तुम लोगों का ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तुम लोगों का मतलब, हमेशा मैं कॉमर्स क्राउड में ये देखती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, भाई बस अब तो ये आने ही नहीं वाला है हमें, ओके। व्हाई कांट वी टेक माइनस टू एंड प्लस टू, माइनस टू नहीं ले सकते ना, बार कब ले सकते हो तुम लोग, देखो बार कब ले सकते हो तुम लोग, इसका मतलब क्या है, जब तुम्हारे पास माइनस टू प्लस 0.861 होगा तभी हम लोग बार ले सकते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो माइनस नहीं है ना, मेरा जो वो अगला नंबर है वो माइनस नहीं है, दैट इज व्हाई आई कांट टेक दिस टू माइनस टू एज बार, आई हैव टू एडजस्ट दिस अ लिटिल एंड ओनली देन आई कैन टेक दैट एज बार। जैसे ये प्लस हो जाएगा ना, तुम इस नंबर को बार ले सकते हो, ओके। तुम अदरवाइज इसको बार नहीं ले सकते, क्योंकि बार का मीनिंग क्या होता है, जब तुम लोग बोलते हो 2 बार 0.861, तो उसका मतलब होता है माइनस टू प्लस 0.861, ये उसका मतलब होता है, ओके। समझ में आई बात, तो इसलिए हम लोग उसको पहले बार में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन ये नंबर बेसिकली पॉजिटिव चाहिए मुझे, इसलिए इतनी मगजमारी हो रही है, ये नंबर मुझे बेसिकली क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, दैट इज वाई इतनी सारी मगजमारी हम लोग कर रहे हैं। समझ में आई बात, क्यों कर रहे इतनी मगजमारी। यस, सो रिमेम्बर दिस थिंग, सो ये हमें चाहिए पॉजिटिव, ओके।
ये हो गया अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.034, माइनस 1.034। अब इस नंबर को स्प्लिट करो, माइनस वन एंड ओके थोड़ा नीचे लिख दूं, पैरेलल चलेगा फिर वो। एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.034, ओके। अब इस नंबर को स्प्लिट कर दो, माइनस वन एंड माइनस 0.034, स्प्लिट कर दिया मैंने, माइनस वन माइनस 0.034, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा फिर से, माइनस वन प्लस वन है ना, तो ये अलग अलग कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा माइनस टू, ये क्या हो जाएगा वन प्लस वन माइनस 0.034, इनका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है फिर वो 669 पॉइंट, एंड ये जीरो हो गया, तो ये हो गया प्लस 0.966, ओके। तो ये माइनस टू को क्या लिखेंगे हम लोग, 10^-2 लिखेंगे, और इसको कहाँ पे चेक करेंगे, इसको एंटी लॉक टेबल में चेक करेंगे है ना, इसको एंटी लॉक टेबल में चेक करेंगे 966, 6 किधर है अपना, ओके 9.96 को 6 में चेक करना है हम लोगों को, कितना आया 0.96 को 6 में चेक करना है, 9247, 9247, ओके 9247, और इसको देते हैं डेसिमल 9.247, ओके। अब शिफ्ट करो इसको, कितने प्लेसेस शिफ्ट करोगे, दो प्लेसेस शिफ्ट करो, तो ये 9 एंड ये 0, 0.09247 हो गया, गॉट इट। यू टुक 0.9, नो नो नो, यू हैव टू टेक कंप्लीट थिंग ना, यू हैव टू टेक 96 को 6 में, यू कैन टेक इट लाइक, नो नो नो, यू कैन टेक इट 0.9 ना, इफ इट इज 0.09 देन इट वॉज ओके, इफ इट वॉज 0.09 तो तुम लोग यहाँ पे देखोगे, अगर वो 0.09 होता तो तुम लोग उसको कहाँ पे देखते थे, 0.09 होता तो यहाँ पे देखते थे, इट इज 0.9, इट इज नॉट 0.09, डिफरेंस समझ में आ रहा है, इट इज नॉट 0.09, सॉरी इट इज नॉट 0.9, इट इज 0.9, इट इज नॉट 0.09, ओके गॉट इट, ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, एंटी लॉग ऑफ 0.09 अलग चीज है और 0.9 अलग चीज है, ठीक है थोड़ा ध्यान दो इस पे, 0.09 का अलग रो है, 0.9 का अलग रो है। आगे बढ़ते हैं, माइनस 0.326, चलो कोशिश करो, ट्राई इट आउट, टेल मी द आंसर। कुछ प्रॉब्लम है आदिति, हैंड रेज आया था तेरी तरफ से, आया आंसर, ओके गुड। क्या करना पड़ेगा,
तो इसको स्प्लिट करो, -0 एंड -0.326, सेम प्रोसेस, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 कर देंगे और यहाँ पे +1 कर देंगे, है ना, -1 कर देंगे एंड +1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा. और इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, +1.000 -0.326, तो कितना आया फिर, ये 4 आया, ये कितना आया 7 आया, ये कितना आया 6 आया, ये आया 0. ओके, तो कितना आया वैल्यू, 0.674, है ना, 0.674. तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, 10^-1 इंटू, इसको सर्च करना पड़ेगा मुझे, 0.67 को 4 में, 0.67 को 4 में, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 7, 2, 1, 67 को 4 में सर्च करना है ना हम लोगों को, 0.67 को 4 में, तो इट इज 4, 7, 2, 1, 4, 7, 2, 1. ओके, तो वो कितना हो जाएगा फिर, 0.4721. ओके, अंडरस्टूड. देखो कंफ्यूज मत होना, तुम लोग कभी कभी क्या कर रहे हो ना, 0.67 को 0.06 में, 0.0067 ये अलग है और 0.67 ये अलग है. जब तुम 0.06 देखोगे तब उसको 0.06 में देखना है, और जब तुम 0.67 देखोगे तब तुम लोगों को 0.67 में देखना है. डिफरेंस है दोनों में, है ना, दोनों में क्या है, डिफरेंस है. चलो आगे बढ़ते हैं अभी. फोर्थ वन, एंटी लॉग ऑफ -3. लेट्स टेक इट एज 0. सॉरी 0.038. कोशिश करो. चलो कोशिश करो, इसके बाद कैलकुलेशंस सीखेंगे कैसे अप्लाई होते हैं. चलो बताओ जल्दी जल्दी, -3.0038, -3.0038, फटाक से बताओ. चलो कार्तिक, कार्तिक 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 बड़ा बोर हो जाता जल्दी. ओके, पलकेश का आंसर आ गया. अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं, जब तक अलग अलग आंसर्स आएंगे मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस देते रहूंगी. हाँ, जब तक अलग अलग आंसर्स आएंगे मैं क्वेश्चंस देते रहूंगी. यस, क्या हो जाएगा, सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, -3 -0.0038. ओके, क्या करना पड़ेगा, -1 + 1, ये क्या हो जाएगा, -4, ये क्या हो जाएगा, 1.0000, ये प्लस है, ये माइनस है, 0.0038, है ना. सब्ट्रैक्शन कर लो भाई, 2 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 0.0. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0.9962. ओके, सो ये क्या हो जाएगा फिर,
माइनस फोर को क्या लिखेंगे, 10^-4 इंटू 0.9962, कहाँ पे चेक करोगे, 0.99 में चेक करोगे, है ना, 0.99 में चेक करो, 0.99 में चेक करो, ओके, ये है तुम्हारा 9908, किस किस में चेक करना है, 99 को 6 एंड 2 में चेक करना है, 99 को 6 एंड 2 में चेक करना है, 99 को 6 में चेक करो और 2 में चेक करो, मतलब 5, तो कितना हो गया फिर, 9913, 9913, गॉट इट, यस, समझ में आई बात, अब क्या हो जाएगा, इस ये माइनस फोर है, इस वजह से हम लोग उसको फोर डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, एक प्लेस तो ऑलरेडी है, 1, 2, 3.0913, ये हो गया आंसर, ओके ओके गॉट इट, यस, बाद में जिन्होंने दिया ना उनका सही है, लेकिन जो पहले पहले दे रहे थे लोग उनका गलत था, बाद में जिन्होंने फटाफट, तीन चार लोगों ने फटाफट आंसर किए तो उनका सही था, ओके कार्तिक हम नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, चलो तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, पहला सेकंड टाइप, ओके एंटीलॉक फाइंड आउट करते आ रहा क्या है अभी, यस एंटीलॉक फाइंड आउट करते आ रहा क्या अभी, यस इसको और प्रैक्टिस चाहिए, फटाक से बोलो इसको और प्रैक्टिस चाहिए, ओके यस यही मुझे देखना था, चलो थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, फिफ्थ वन, मिक्स्ड सम्स दू, मिक्स्ड सम्स दे दू अभी एंटीलॉक के, ओके मिक्स्ड सम्स दे दू अभी एंटीलॉक के, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स, ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स देते अभी, ओके फाइंड एंटीलॉक, ओके पहला है एंटीलॉग ऑफ 0.867, दूसरा है एंटी लॉग ऑफ -0.867, तीसरा है एंटी लॉग ऑफ 1.234, फोर्थ है एंटी लॉग ऑफ -1.234 एंड फिफ्थ है एंटी लॉग ऑफ 1/0.234, सिक्स्थ क्वेश्चन है एंटी लॉग ऑफ -2.67, सेवेंथ है एंटी लॉग ऑफ 2.86, एट्थ है एंटी लॉग ऑफ 2/0.86, चलो कोशिश करो सबसे पहला आंसर बोलो, जल्दी जल्दी बोलो सबसे पहला आंसर, ओके ये क्या हो जाएगा, 10^0 इंटू किस में चेक करेंगे, 0.86 को 7 में चेक करेंगे, 0.86 को 7 में चेक करेंगे, 0.86 को 7 में चेक करेंगे, 7 किधर है 0.86 के लिए, अरे 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 0.86 को 7 में चेक करेंगे, मतलब 7362, 7362, ओके तो ये क्या आ जाएगा, 7.362 और 0 है तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, 7.362 0 है तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, है ना, आगे सेकंड वाला आंसर आया किसी का, बोलो जल्दी जल्दी, सेकेंड वाला आंसर आया क्या किसी का, ओके लेट्स चेक इट आउट, लेट्स चेक इट आउट, माइनस को स्प्लिट करेंगे, है ना, -0.86 मतलब -0 -0.867, -1 कर दो प्लस वन कर दो, ये हो गया माइनस वन, ये कितना हो गया, वन प्लस वन -0.867 कितना हो गया, थ्री थ्री
0.10, कितना हो गया ये प्लस 0.133, ओके प्लस 0.133, तो माइनस वन को क्या लिखेंगे फिर हम लोग, 10^-1 लिखेंगे है ना, 10^-1 लिखेंगे इनटू, इसको चेक करो एंटीलॉक टेबल में, 0.13 को 3 में चेक करो, 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 विच इज 1358, 1358, ओके सो 1.358, शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे इस साइड, सो इट इज 0.1358, गॉट इट। आगे वन है ये, इसको कैसे लिखेंगे, 10^1 इंटू 0.234 को चेक करो, 0.234, 0.23 को चेक करो, 0.23 किधर है, 0.23 को 4 में चेक करो, 1714, 1714, ये रेस टू वन है ना, तो इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, जब माइनस होता है तो इस साइड करते हैं, प्लस होता है तो इस साइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 17.14। डेसिमल्स में गलती कर रहे हो, देखो अगर पॉजिटिव हुआ तो इस साइड शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव हुआ तो इस साइड शिफ्ट करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट, पॉजिटिव हुआ तो इस साइड शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव हुआ तो इस साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी अभी क्या हो जाएगा, देखो आया किसी का आंसर फोर्थ का, यस ओके, लास्ट ईयर तो कोरिलेशन भी था, तो कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों मिला के बैंड बजाते थे मस्त कैलकुलेशन की, अभी तो सिर्फ रिग्रेशन है, तो यस माइनस वन माइनस 0.234, माइनस वन करेंगे प्लस वन करेंगे, या आया माइनस टू, ये कितना आया प्लस 1.000 माइनस 0.234, कितना आया ये 6, ये कितना आया 6 आया 7.0, ओके 0.766, ओके सो क्या हो गया फिर ये, यस 10^-2, और इसको हम लोगों को चेक करना है टेबल में, 76 को 6 में है ना, 76 को 6 में, 76 को 6 में 5821, अब दो है तो इस साइड शिफ्ट करो दो प्लेसेस, ओके 21 है ना या फिर 34 है, यस 76 को 6 में चेक करें ना हम लोग, 76 को 6 में चेक कर रहे हैं ना, 34 है, यस 34 है, यस सॉरी इट्स 34, ओके फिफ्थ का आया आंसर, यस फिफ्थ का तो इजी है, 10^-1 इंटू 0.23 को 4 में चेक करना है, 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 1714, 1714 है ना, माइनस वन मतलब इस साइड शिफ्ट करो, 1714 हो गया, 0.1714, ओके ठीक है, एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है, अब चलते हैं यहाँ पे, माइनस नेगेटिव को ऑपरेट करो, नेगेटिव को ऑपरेट करो, माइनस टू माइनस 0.67 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन, ये हो गया माइनस थ्री, और ये हो गया प्लस 1.00 माइनस 0.67, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3.0 प्लस 0.33 है ना,
तो क्या हो जाएगा फिर, ये देखते हैं फिर। अभी 10 to -3 इंटू 0.33, 0.33, ओके। तो 0.33 को चेक करते हैं फिर। 33 को किसमें चेक करेंगे, 0 में चेक करेंगे, है ना। 33 को किसमें चेक करेंगे, 0 में चेक करेंगे। सो 33 को 0 में चेक करते हैं, कितना है, 2138, 2138, ओके। सो क्या हो जाएगा फिर, 3 को -3 है तो इस साइड शिफ्ट होगा 3 places, 0.002138, ओके। गेटिंग माई पॉइंट। आगे यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 10^2 इंटू 0.86, 0.86 को 0 में चेक करना है ना। 0.86 को 0 में चेक करना है, 0.86 को 0 में चेक करना है, 0.86 को 7244, 7244, इस साइड शिफ्ट कर दो, +2 है ना, तो क्या हो जाएगा, 724.4। 2 places शिफ्ट करते हैं ना रे हम लोग, 2 places शिफ्ट करते हैं, तो ये एक दो मतलब 724.4, ओके। 2 places शिफ्ट करते हैं हम लोग, रिमेम्बर। अब क्या हो जाएगा, 2 बार को कैसे लिखोगे, 10^-2 इंटू 86 ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, 0.86, 7.244, किस तरफ शिफ्ट करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, मतलब 0.0 7244 है ना, 0.07244, समझ में आया, यस, गेटिंग माय पॉइंट। अब कैलकुलेशन में कैसे यूज होता है लॉग वो देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में अब लॉग कैसे यूज होता है वो देख, सफिशियंट प्रैक्टिस हो गया ना एंटी लॉग का, यस आई थिंक सफिशियंट प्रैक्टिस हो गया एंटी लॉग का। अब इसको कैलकुलेशन में कैसे यूज करना है, दैट वी विल हैव टू सी नाउ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी 1 मिनट, ओके। एप्लीकेशन ऑफ, और एल्स आई विल राइट यूज ऑफ, लॉग एंड एंटी लॉग इन कैलकुलेशंस। क्यों, अभी 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 बोर हो रहे क्या? यस, अभी बोर हो गए कैलकुलेट कर करके, लॉग लॉ एंटी लॉग, थक गए। अरे कुछ भी तो नहीं था, बस टेबल में से उठा के नंबर्स रखने थे और कुछ नहीं। कार्तिक, कार्तिक मुझे लगा कार्तिक ने एग्जिट कर लिया। यस कार्तिक, मुझे लगा तूने एग्जिट कर लिया। कार्तिक, 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 अच्छा चलो एक, बस मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देख दिखा दे कैसे सॉल्व करना है, बस ये एक चीज, ठीक है। चलो अभी सपोज मान के चलो तुम्हारे पास कैलकुलेशन है, लॉग वाई, वाई इज इक्वल टू 23.86 इंटू 43 अपॉन 768। अब ये कैलकुलेशन तुम लोगों को करना है, ठीक है। अब उससे पहले कुछ लॉगरिदम के रूल्स देखो, क्या होता है लॉगरिदम के रूल्स। लॉग ऑफ ए बी इज व्हाट, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ओके। लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ओके। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जो भी डिनोमिनेटर में दिखता है ना वो मुझे माइनस करना है, जो भी न्यूमरेटर में दिखता है वो मुझे ऐड करना है, जो भी डिनोमिनेटर में दिखता है वो क्या करना है मुझे, माइनस करना है, जो भी न्यूमरेटर में दिखता है वो क्या करना है हमें, ऐड करना है, ठीक है। तो चलो फिर अभी बढ़ते हैं आगे, लॉग लेना है हम लोगों को, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 23.86 इंटू
43 अपॉन 768, ओके तो जो भी मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है. जो भी हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो चलो log y इज इक्वल टू log ऑफ, मल्टीप्लीकेशन में कौन कौन दिख रहा है, 23.86 और कौन कौन दिख रहा है 43, log of 43. डिनोमिनेटर में कौन दिख रहा है उसको माइनस कर दो, log of 768, log of 768, ओके. तो अब पहले तो हमारा काम क्या है, इन सबके लॉग्स फाइंड आउट करो, ओके. तो log y इज इक्वल टू, इसका log कैसे फाइंड आउट करोगे, डेसिमल से पहले दो नंबर्स है ना, तो क्या होगा 1 point characteristics, है ना. 23.68 डेसिमल से पहले कितने नंबर्स है हमारे पास, दो नंबर्स है, तो मैंने क्या लिखा 1 point. 23 को 8 एंड 6 में चेक करो, लॉग टेबल में, एंटी लॉग में नहीं, 23 को 8 एंड 6 में चेक करो, 23 को 8 एंड 6 में चेक करो. देखो 23 को 8 एंड 6 में हमें क्या करना है, चेक करना है कितना आता है. देखो जरा 23 को 8 एंड 6 में, 8 मतलब ये हो गया यहाँ पे 8 एंड ये हो गया यहाँ पे मतलब ये 11, है ना. तो 23 को मैंने 8 एंड 6 में चेक किया तो कितना हो गया 3766 प्लस 11 मतलब 3777 कितना आया फिर ये 3777, है ना. 3777 प्लस 43 का लॉग कैसे देखोगे, यस 43 लॉग ऑफ 43 इज नथिंग बट 43.00. तो 43 कैसे लिखोगे, 43.00 मतलब 1 point, दो डिजिट है ना 1 point. 43 को कहाँ पे चेक करोगे, जीरो में चेक करोगे, है ना. 43 को कहाँ पे चेक करोगे, जीरो में चेक करोगे. तो 43 को जीरो में चेक करना है, 43 43 43, 6335, ओके 6335 माइनस लॉग ऑफ 786, कितने डिजिट से हमारे पास, तीन है, तीन डिजिट से हमारे पास. तो लॉग ऑफ 768.0 तो क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 point. 76 को किस में चेक करना है, 8 में चेक करना है, तो 76 को 8 में चेक करते हैं, 76 को 8 में चेक करते हैं, 76 को 8 में चेक करते हैं. तो 76 को मैंने चेक किया 8 में, which is 8854, है ना, 8854. So 8854, okay, getting my point, 8854. अब क्या करना पड़ेगा, अब इन सबको सॉल्व करना है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा 1.377 प्लस 1.6335, कितना हो गया ये 7 and 5 12, 7 and 3 10 and 1 11, 7 and 3 10 and 1 11, 3 and 6 9 and 1 10, और ये आया 3.0112. इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 2.8854, ओके. अब ये 12 में से 4 गया 8 बचा, 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ पे 10 था, 10 में से 5 गया 5 बचा, है ना. यहाँ पे भी 10, 10 में से 5 8 गया 2 बचा, ओके ठीक है. यहाँ पे 2 point, कुछ गड़बड़ हो गया, यस एम आई ऑडिबल प्रॉपरली. तेजस थोड़ा सा चेक करो तुम्हारे साइड पे, ठीक है, तुम्हारे साइड पे चेक करो, ओके. सो 0.1258. सो लॉग वाई कितना आया, 0.1258, ओके. सो अब क्या हो जाएगा फिर, अब मुझे y का वैल्यू ढूंढना है ना, अब मुझे एंटी लॉग लेना पड़ेगा. y का वैल्यू कैसे मिलेगा,
एंटी लॉग ऑफ 0.1258, एंटी लॉग ऑफ 0.1258, तो क्या हो जाएगा फिर 10^0 इनटू, चेक करो इसको एंटी लॉग टेबल में, 1258 को एंटी लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में, एंटी लॉग 12 को, 0.12 को 58 में, 0.12 को 5 में चेक करो कितना हो गया वो 1334, 1334 एंड 1334 एंड 2, 1336, 1336, ओके यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो कितना आया फिर y, y आया 1.336. अब लोग क्या बोलते हैं कि मैम हमें लॉग नहीं लेना है, हम यही पे कैलकुलेट कर लेंगे अपना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर विश, नो वरीज, तुम्हारी मर्जी कैसे भी करो, आंसर आना चाहिए. मैंने बोला था तुम लोग लॉग के लिए एनीवेज मार्क्स नहीं है, ओके एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है क्या, ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है क्या, लेट्स चेक इट आउट वंस. क्या है ये 23.86 इनटू 43, कितना आया ये 102598 डिवाइडेड बाय 768, कितना आया ये 1.3359, हमारा कितना आया 1.336. अंडरस्टूड? यस, समझ में आई बात? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? इज देयर एनी डाउट? अंडरस्टूड दिस पार्ट? समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बताओ, इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? ओए कार्तिक, कुछ डाउट है क्या तुझे? ओके ओके अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रही हूँ मैं, ठीक है कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, देन वी विल स्टॉप. 5 मिनट जल्दी छोड़ती हूँ मैं डेली, सो से थैंक्स टू मी, 5 मिनट जल्दी छोड़ रही हूँ. ओके होमवर्क क्वेश्चंस ले लो, इसी टाइप के दे रही हूँ मैं. Y is equal to, देखो क्या है ना बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आते भी नहीं है, सच बोलो तो इतने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ना आते भी नहीं है, ठीक है. और होता क्या है ना, अगर टेक्स्ट बुक में क्या होता है, टेक्स्ट बुक में तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उसमें से 2-3 क्वेश्चंस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस वाले होते हैं तो तब लॉग की जरूरत पड़ती है, लेकिन एग्जाम में बहुत रेयर केस में इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन पूछते हैं. लेकिन होता क्या है कि टेक्स्ट बुक में दिया है, हमें तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज वाई होता यह है कि हमें वो लॉग वाला सीखना तो पड़ता ही है, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस, इतना बड़ा कैलकुलेशन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कभी कभी नॉर्मल वे से ही सॉल्व हो जाता है, नॉर्मल डिवीजन से ही सॉल्व हो जाता प्रॉब्लम, ये सब लॉग की झंझट करनी नहीं पड़ती तो. लेकिन वो 2-3 क्वेश्चंस के लिए मुझे बताना तो मेरी तो ड्यूटी है ना, मुझे तो बताना चाहिए, तो इसलिए ये मेरा हमेशा एक लेक्चर लॉगरिथम खाता ही है, जबकि उसके आने के चांसेस, उस टाइप का कैलकुलेशन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है. हमें बीइंग ए टीचर एंड बीइंग ए स्टूडेंट, तुम लोगों को सब कुछ सीखना है, मुझे सब कुछ सिखाना है, ठीक है. चलो टेक फ्यू एग्जाम्पल्स. नहीं, ऐसी गारंटी से नहीं बोल सकती मैं वो नहीं आएगा, लेकिन चांसेस कम रहते हैं, ऐसा ऐसा गारंटी से नहीं बोल सकती कि आएगा ही नहीं एकदम गारंटी से. जैसे मैंने तुम लोगों को वो मैट्रिसेस के वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बोला था कि करो ही मत, ये नहीं आने वाले, वैसे मैं इसका गारंटी से नहीं बोल सकती, ठीक है. नहीं तो कार्तिक खुश हो गया फिर. वेरीफाई कर लेना अपने आंसर्स कैलकुलेटर पे, ठीक है. ट्वेंटी थ्री बहुत आ रहा है. ओए होमवर्क कैलकुलेटर से नहीं करना है.
तू तो बड़ा शॉर्टकट मार रहा, फिर ऐसे नहीं करो, लॉक का प्रैक्टिस करो, तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है, है ना? चलो ठीक है, ये सब करके आओ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ, बाय बाय, हैव ए नाइस वीकेंड। एक टेस्ट रहेगा तुम्हारा मैथ्स का, 30 मार्क्स का, ठीक है? मैट्रिसेस एंड मैथमेटिकल लॉजिक। चलो बाय, संडे को, संडे को, कमिंग संडे। चलो बाय बाय।